हे गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। कशा सगळे मजेत आहे? होप एवरीवन इज डूइंग जस्ट ग्रेट। सो आज हम लोग के साथ है द एडवेंचर किंग, द ऑफ रोड किंग बोल सकते हैं इसको, द मोस्ट एडवेंचरस व्हीकल जो अपने लाइनअप में सबसे टॉप में खड़ी रहती है ये गाड़ी। इसका नाम भी है KTM एडवेंचर 390। इसके ओनर है मेरा दोस्ती है माई चाइल्डहुड फ्रेंड आदित्य देवधर। आई एम रिक्वेस्ट आदित्य टू ज्वाइन अस, वेलकम टू द चैनल ब्रो। थैंक यू। सो आज हम लोग करेंगे इस गाड़ी का डिटेल रिव्यू वीडियो, ओनरशिप एक्सपीरियंस हम लोग शेयर करेंगे आज आपके साथ। ये गाड़ी कितनी चल चुकी है, गाड़ी क्या माइलेज देती है, गाड़ी की कितनी कॉस्ट है, गाड़ी में क्या कुछ आफ्टर मार्केट पार्ट्स लगे, उनकी कॉस्ट कितनी है, ये सब हम लोग शेयर करेंगे। सो आदित्य, ये गाड़ी कभी खरीदी, क्यों खरीदी और कितना चल चुकी है अभी तक? तो 2019 से मैंने राइडिंग स्टार्ट किया था, तो तभी मेरी फर्स्ट बाइक थी हॉर्नेट। तो अभी 4 साल ऑलमोस्ट होने वाले थे, तो सोचा कुछ अपग्रेड होना चाहिए, लेकिन अभी स्ट्रीट फाइटर कैटेगरी से मैं थोड़ा बोर हो रहा था, तो सोचा एडवेंचर में जाते हैं। वैसे भी टूरिंग मुझे बहुत पसंद है, मैं लॉन्ग राइड्स भी करता हूँ, तो उसके हिसाब से मैंने देखना चालू किया। तो 160cc से सोचा कि 300 या फिर 300 अबव जाना है, तो उसमें मेरे पास तीन ऑप्शंस थे, एक तो रॉयल एनफील्ड हिमालयन, बाद में BMW G310 GS और KTM एडवेंचर 390। तो ये तो इन सेगमेंट में टॉप ऑफ द लाइनअप में ये खड़ी रहती है गाड़ी, तो रहती है। हाँ, ये इन मतलब जो टूरिंग मशीन है 400cc के अंडर सिंगल सिलेंडर में ये गाड़ी टॉप में खड़ी रहती है, उसमें तो नो डाउट, और ऑफ रोडिंग किंग ही बोला जाता है इसको। सो ये गाड़ी कब खरीदी, कितने महीने हो चुके हैं ये गाड़ी को लेकर? तो ये गाड़ी मैंने खरीदी 8 मार्च को, मेरा बर्थडे था, स्पेशल ओकेजन था, तो सोचा कि वही दिन अच्छा है, तो उस दिन खरीदी। अभी ऑलमोस्ट 1 महीना 2 दिन हो चुके हैं और मेरा 1700 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुका है। 1700? हाँ, एक महीना दो दिन एक महीना दो दिन में 1700 भाई, कॉन्ग्रेट्स, ऑसम। सो ये रहा गाड़ी का ओडोमीटर, यहाँ पे किलोमीटर्स नोट कर लो आप, 1760 किलोमीटर्स। सो मैं अभी आपसे पूछूंगा इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में, जो ओडोमीटर में मैंने सुना बहुत सारे फीचर्स है इसमें, और गाड़ी में बहुत सारे अलग अलग इसमें रेंज वगैरह कैसे क्या दिखाता है, अभी मैं हैंड ओवर करता हूँ आपको, आप मुझे बताएंगे, आप मुझे समझेंगे इसमें क्या क्या है और कैसे है। ओके, तो शुरुआत करते हैं इसके डिस्प्ले से। तो इसका डिस्प्ले सेगमेंट में सबसे टॉप नॉच है, इसमें सब कुछ है, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए बस आपको टॉगल करना है। यहाँ पे आपको ट्रिप 1 दिखा देगा, उसके बाद यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे कि KTM माय राइड। तो इसमें आपको ऑडियो फंक्शन है, अगर आपके हेडसेट या फिर आपके इंटरकॉम मोबाइल या फिर इंटरकॉम, ये अगर आपने इसके साथ ब्लूटूथ से कनेक्ट किया है, तो आप यहाँ पे गाने चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम अप एंड डाउन है, पॉज भी कर सकते हैं और नेक्स्ट ट्रैक प्ले कर सकते हैं या फिर प्रीवियस। अभी हम लोग को ये रेंज जो पेट्रोल का कितना रेंज है, किलोमीटर कितना है, वो सब दिखाइए। तो यहाँ पे रेंज, ये फ्यूल रेंज आता है यहाँ पे, अभी 310 किलोमीटर्स दिखा रहा है क्योंकि अभी सिटी में ही चल रही है, लेकिन जब हाईवेज पे मैं रहता हूँ तो ये डायरेक्ट 400 किलोमीटर्स दिखाना चालू कर देता है। KTM राइड मोड, इसमें आपको दो मोड मिलते हैं, एक तो स्ट्रीट मोड है, सेकंड ऑफ रोड है। ओके, दो मोड आते हैं? हाँ, दो मोड आते हैं, और इसमें मोटरसाइकिल में आपको ABS है, यहाँ पे आप अगर ऑफ रोड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ऑफ रोड के लिए यहाँ पे पीछे के टायर का जो ABS है वो डिसेबल कर सकते हैं, तो आप जब आप ऑफ रोड करेंगे तो आपको टायर को ग्लाइड करना है, स्लाइड करते हुए एंजॉय करना है, तो ये आप कर सकते हैं, आपका ABS किकिंग नहीं होगा पीछे वाले टायर। ओके, एंड देन यहाँ पे मोटर ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, ये फीचर बहुत ही अच्छा फीचर है, क्योंकि हाईवेज पे हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग एक्सट्रीमली एड्रेलिन रश में रहते हैं, तो हम लोग जब रेव करते हैं, हार्ड अपशिफ्ट करते हैं, स्पीड बहुत जल्दी गेन करते हैं, तो तभी ये बहुत वर्क करता है और आपको गिरने से भी बचाता है, क्योंकि ये जो आपका जो पावर पीछे वाले व्हील को डिलीवर हो रहा है उस पर ये कंट्रोल रखता है। इनकेस अगर आपका पावर ज़्यादा डिलीवर हो रहा है और अगर आपका टायर स्पिन होने वाला है, तो ये पावर उसी टाइम पे कट डाउन कर देता है, जिससे कि आप गिरोगे नहीं, आपकी बाइक भी सेफ रहेगी और आप भी सेफ रहोगे। सो अभी बात करते हैं, ये सारे बटन तो नॉर्मली हम लोग को सब गाड़ियों में देखने मिल जाते हैं, ये रहा इसका ऑन ऑफ का बटन, जो ऑन ऑफ का स्विच रहता है वो ये रहा, और यहाँ पे एडजस्टेबल लीवर ब्रेक मिलते हैं और एडजस्टेबल
क्लच लीवर भी मिलता है यहाँ पे, और नॉर्मली जो अभी आदित्य ने बताया कि ट्रिप वगैरह आपको जो कुछ भी मोड्स एक्सेस करने ऑडोमीटर के, वो यहाँ से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल अपना पासिंग का जो रहता है यूजुअली सब गाड़ियों में, वो सेम कंटिन्यू किया है। यहाँ पे पुश अपना टर्न इंडिकेटर्स का पुश बटन है यहाँ पे, और ये हॉर्न हॉर्न भाई ने चेंज किया। हॉर्न एक बार सुन लो आप। सो ये हॉर्न भाई ने आफ्टर मार्केट लगाया है। सो ये रहा गाड़ी का ओडोमीटर बटन इन्फॉर्मेशन, और ये बटन सब क्या करते हैं, ये गाड़ी का रहा टोटल ये इस पार्ट का इन्फॉर्मेशन। अभी हम लोग बढ़ेंगे गाड़ी के आगे के तरफ, पीछे के तरफ, क्योंकि गाड़ी का एक बार मैं आपको व्यू दिखा दूँ। गाड़ी में लगे हैं पैनियर्स, गाड़ी में लगे पैनियर्स, पूरा पैनियर्स का सेटअप लगा है जितना मुझे दिख रहा है। गाड़ी में लगे नकल गार्ड्स, गाड़ी में आगे लगा है बड़ा सा वाइजर जो पूरे हेडलाइट से लेके ऊपर तक आता है, और गाड़ी में लगे ऑक्सिलरी लाइट्स, और ये इंडिकेटर दो चमचम कर रहे हैं उसका भी एक पार्ट लगता है जो अंडर बॉडी रहता है, वो बाहर नहीं दिखेगा बट बाहर आपको रिजल्ट दिखेगा। ये जो दिख रहा है वो उसका ही पार्ट है। तो धीरे धीरे आगे से शुरुआत करते हैं कि क्या क्या सामान लगा है और क्या क्या उसकी कॉस्टिंग है। हम लोग मैन्युअली एक एक चीज़ की कॉस्टिंग बताएंगे, आप वो सब टोटल कर लेना और देख लेना कितना क्या कुछ हो रहा है। सो आदित्य, इस गाड़ी में मुझे बहुत कुछ दिख रहा है, बहुत कुछ सामान लगा है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले ये ऑक्सिलरी लाइट से, कौन से कंपनी के और इसकी कॉस्टिंग कितनी है। तो ये है HJG के लाइट्स, क्रिक इसका मॉडल नेम है, और ये 60 वॉट्स के लाइट्स है, इसका प्राइस है अराउंड 4500। ओके, अभी उसके बाद ये बड़ा सा वाइजर, ये वाइजर किस कंपनी का है और इसकी कॉस्ट कितनी है। ये वाइजर है मोटो IOI का। तो इसमें बेस्ट फीचर क्या है कि आपका ये एक ही सिंगल पीस में आता है जो आपका हेडलाइट भी कवर कर देता है, प्रोटेक्ट करता है, प्लस आपको विंड ब्लास्ट से भी बचाता है। ओके ठीक है, ये कॉस्टिंग है 2800 रुपीज। ओके थैंक यू। उसके बाद हम लोग आते हैं, ये नकल गार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, ये बाय डिफॉल्ट आए थे या फिर ये एक्सेसरीज का पार्ट है। ये इंक्लूडेड है विद बाइक। ओके ओके, सो इसको नहीं लेते। यहाँ पे है अपना मोबाइल होल्डर जो कि बहुत खास है, वाटरप्रूफ है, केसिंग के साथ आता है, और यहाँ पे इसका ये माउंट, ये सब बहुत कॉस्टली आता है। ये जो इस गाड़ी के एक्सेसरीज है आफ्टर मार्केट, वो इतने सस्ते हैं नहीं, बहुत महंगे मिलते हैं और अच्छे ब्रांड के मिलते हैं, अच्छे कंपनी के मिलते हैं। सो इसकी कॉस्टिंग कितनी बड़ी आदित्य आपको। तो ये जो पहले तो GPS माउंट है, ये भी मोटो IOI का है, और ये जो मोबाइल होल्डर है ये बोबो का मोबाइल होल्डर है। ये इसमें ये वाटरप्रूफ है, इसमें एक बूंद भी पानी नहीं जाता। अगर आप बारिश में चला रहे हो, आप मैप्स रेफर कर रहे हो, मोबाइल इसके अंदर है, आपका कहीं से भी पानी जाता नहीं अंदर, मोबाइल आपका कम्प्लीटली सेफ रहता है। इसकी कॉस्टिंग है 2000 रुपीज, एंड ये जो माउंट है इसकी कॉस्टिंग है 2800 रुपीज। ये यहाँ पे ये बटन भी है जो ऑक्सिलरी लाइट सामने लगे उस, वो यहाँ से कंट्रोल होते हैं ऑन ऑफ, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम लोग आगे देखते हैं कि यहाँ पे लगा है क्रैश गार्ड। ये क्रैश गार्ड बाय डिफॉल्ट नहीं आता है, ये भी भाई ने एसेसरीज का पार्ट है, ये आफ्टर मार्केट लगा है। सो ये क्रैश गार्ड किस कंपनी का है और इस क्रैश गार्ड की कॉस्टिंग कितनी है। तो ये कस्टम मेड क्रैश गार्ड है, बेसिकली ये KTM के लिए बनता है अलग से, और इसकी कॉस्टिंग है 6800 रुपीज। इसमें स्प्लिट है, ये जो ऊपर का पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ तक, ये अलग है, और ये जो नीचे का पोर्शन है ये अलग है। इसका फायदा ये है कि अगर आपका ऊपर के पोर्शन का कुछ होता है तो आप सिर्फ यही रिप्लेस करके चेंज करा सकते हैं, आपको होल यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो इसकी कॉस्टिंग कितनी है। इसकी कॉस्टिंग है 6800। सो अभी गाड़ी के साथ साथ हम लोग चल के पीछे आते हैं। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े डब्बे लगे जो दिख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पैनियर्स का पूरा भाई ने सेटअप लगाया, तीनों के तीनों पैनियर्स गाड़ी पे लोडेड है। उसका जो फिटमेंट सब कुछ हम लोग कवर करेंगे, भाई से पूछेंगे कितना क्या कॉस्ट है। एक पैनियर अगर लेंगे तो महंगा पड़ेगा ऐसा भाई बोल रहा है, बट देखते भाई से ही पूछते हैं कौन से कंपनी के और इसकी कॉस्टिंग कितनी है। तो ये शिंगलिंग के पैनियर्स और टॉप बॉक्स है। इसका पूरा सेट मैंने खरीदा क्योंकि सिंगल मैंने चेक किया तो सिंगल लेते हुए इसका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रहा था। वैसे अलग अलग लेंगे तो इसका कॉस्टिंग जाता है अराउंड 65,000 रुपीज़ तक, लेकिन मैंने सब एक साथ इसका सेट लिया तो मुझे ये पड़ा अंडर 50,000 रुपीज़। इसमें दो पैनियर्स की सेट है जो 37 लीटर्स ईच है, ये 45 लीटर्स का टॉप बॉक्स है। इसके साथ साथ दोनों साइड पे इसको माउंट करने के लिए सैडल्स है, और ये टॉप बॉक्स माउंट करने के लिए टॉप रेक है जो मोटो ड्रिफ्ट कंपनी का है, और ये कंप्लीट सेटअप मुझे 50,000 का पड़ा, लेकिन बहुत ही अच्छा सेटअप है, वर्थ है। अगर आपको लॉन्ग राइड पे या फिर लॉन्ग टूरिंग करना है तो आपका ऑलमोस्ट 12-15 डेज का लगेज इसमें आ जाता है, क्लोथ्स, आपके बाइक रिलेटेड कुछ एक्सेसरीज हो, एक्स्ट्रा आप कुछ कैरी कर रहे हो, लुब्रिकेशन,
सब कुछ इसमें बैठ जाता है, एक टैंक बैग बस आगे लगा दीजिए एंड यू आर गुड टू गो फॉर 15 to 20 days। सो यहाँ पे इस गाड़ी का रेडिएटर, रेडिएटर के सामने एक बड़ी सी ग्रिल मुझे नजर आ रही है जो कि ऑरेंज कलर में। सो ये ग्रिल किस कंपनी की और इस ग्रिल की कॉस्टिंग कितनी है? तो ये है ज़ारा कंपनी का ग्रिल, रेडिएटर गार्ड बोलते हैं इसे, और इसकी कॉस्टिंग है 2,950 rupees। तो इस बाइक की खासियत और है, इसमें आगे और पीछे डिस्क ब्रेक आता है, प्लस ड्यूअल चैनल ABS है एंड ऑल्सो इसमें कॉर्नरिंग ABS है। पीछे सस्पेंशन कौन सा लगा है? पीछे WP Apex का ही मोनोशॉक है और आगे भी USD Fox है WP Apex के। तो सस्पेंशन सेटअप मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा। सो अभी गाड़ी को चालू करते हैं, बेसिकली गाड़ी को एक क्रैंक करते हैं और गाड़ी की फायरिंग सुनते हैं। तो ऐसा कुछ है गाड़ी का आवाज। अभी एक गाड़ी में सेफ्टी फीचर आता है जो कि है साइड स्टैंड का। अगर साइड स्टैंड आपका एंगेज रहेगा तो गाड़ी चालू नहीं होगी गियर पर। अगर गाड़ी न्यूट्रल पर है तो गाड़ी चालू हो जाएगी, बट गाड़ी गियर पर है और बाय चांस आप स्टैंड एंगेज कर देते हो नीचे तो गाड़ी सीधा बंद हो जाएगी। सो अभी देखिए स्टैंड बिल्कुल ऊपर है और अभी हम लोग गियर डालेंगे गाड़ी। ये गाड़ी गई फर्स्ट गियर में, गाड़ी देखो आगे भी चला के दिखाई दी भाई ने। अभी हम लोग स्टैंड एंगेज करेंगे और गाड़ी देखो अब बंद हो जाएगी। ये देखो गाड़ी का रोड प्रेजेंस बहुत सही है, गाड़ी जैसे कि ऑफ रोड किंग है तो ऑफ रोडिंग का इसका कुछ माड़ा है नहीं। ऑफ रोड बोलो या फिर कच्चे रस्ते बीचेस पे वगैरह भी इजीली गाड़ी चली जाती है, जहाँ पे दूसरे गाड़ियों की जहाँ पे बैंड बसती है ना वहाँ पे गाड़ी ऐसे किंग की तरह आगे बढ़ती है। गाड़ी बहुत सही है रोड प्रेजेंस, ये गाड़ी 140 पे भी क्रूज कर लेती है, मतलब 140 आपको ये गाड़ी तो भाई कहीं पे भी नहीं हारती, ऑफ रोडिंग में भी नहीं हारती, रोड पे भी नहीं हारती, हाईवे पे भी नहीं हारती, कहीं पे भी नहीं हारती। सो अभी हम लोग आ जाते हैं इस गाड़ी के कॉस्ट के ऊपर और एक गाड़ी ऑन रोड और हाईवेज पे कितना माइलेज देती है। सो आदित्य गाड़ी का माइलेज कितना है, सिटी में कितना माइलेज देती है? सिटी में आराम से 25-27 के बीच में, 25-27। यस, गाड़ी का जो फ्रेम है जो फॉर्मेट है वो टूरिंग है, इसलिए 25-27 सिटी में एवरेज बहुत सही है 390 कंसेप्ट में। और हाईवे पे कितना देती है? हाईवे पे तो 33 मिनिमम, अभी न्यू बाइक है तो उसके हिसाब से 33 मिलता ही है मुझे। क्रूज करेंगे अगर 120 किलोमीटर पर आवर पे, अगर आप आराम से 120 पे क्रूज कर रहे हो तो आपको 33 इजीली मिल जाएगा। तो आदित्य इस गाड़ी की कॉस्ट कितनी पड़ी, एक्स शोरूम प्राइस कितनी थी और ऑन रोड आपको कितने पैसों में पड़ी? तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 3,40,000 rupees और मुझे ऑन रोड पड़ी पनवेल के लिए 4,10,000 rupees ऑन रोड प्राइस इंक्लूडिंग नकल गार्ड्स और एक स्टॉक विंडशील्ड आता था जो मैंने हटा दिया। सो दिस वाज आवर ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ दिस मशीन, एक पूरा डिटेल रिव्यू, डिटेल वीडियो, ओनरशिप एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर किया हम लोग ने। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, शेयर एंड कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए राइड सेफ एंड बी सेफ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।